अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जियागुड़ा कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने पुराना पुल के पास सीसी रोड के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे नुमाइंदे राहुल की ये रिपोर्ट। पुराना पुल जंक्शन डेवलपमेंट के वो और साथ ही साथ पुराना पुल डेवलपमेंट जंक्शन डेवलपमेंट के तालुका से और साथ ही साथ बाईपास रोड पुराना पुल से लेके गणेश घाट जो काम बचा हुआ है उसके लिए राष्ट्र प्रभुत्व ने और हमारे टीआरएस गवर्नमेंट 6.5 करोड़ रुपए इसको बजट सैंक्शन किया और जल्द से जल्द हम लोग पुराना पुल जंक्शन डेवलपमेंट साथ ही साथ जो पुराना पुल से गणेश घाट तक जो बाईपास रोड है उसके लिए 6.5 करोड़ के लागत से हम लोग इसका पूरा बाईपास रोड निर्माण करेंगे और उसी के साथ काम शुरू हो चुका है। पुराना पुल के जो जंक्शन के अनुसंधान में एक छोटा मोटा जो रोड था उसको भी हमने काम करने का शुरू कर दिया। सर इस एक्सटेंशन से काम तो शुरू होगा क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, उनको भी ये रमज़ान के वजह से हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करें। आफ्टर रमज़ान के बाद वहाँ पर जितने भी जो पुलिस का वो है और साथ ही साथ जो सैनिटेशन है और वहाँ पर कूड़ा बंडी वाले जितने भी है उनके एक हफ्ते का टाइम देके उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके वो काम भी शुरू कर देंगे। कैसा रहता है तो बहुत सारे लोग हमारे गरीब लोग उसके ऊपर जीना है उनका, ये हम डेडलाइन देके एक हफ्ते के अंदर उनको भी हम देखना चाहिए। दोनों मद्देनजर रखते हुए जो व्यापारी है जहाँ पर किचन चिकन बेचते हैं मटन के जो पार्ट्स बेचते हैं वहाँ पर उन लोगों को भी कोई ऐसा जगह बताए उन लोग भी वहाँ पर अपना जीवन उपाधि कर सके और हमारे फ्रूट्स है और तरकारी का है पुराना पुल जंक्शन में बहुत सारे लोग जीते रोज़ कमाई के उसके ऊपर है लिहाजा उनको आल्टरनेट बताए बाद ये काम शुरू करने का एक इरादा करें।